नागेंद्र वर्मा जी। राधा वल्लभ तिरुमल महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक संशय है। महाराज जी, हम रुपया ब्याज पर देते हैं, यही काम से हमारा परिवार का खर्च और बाकी सब चलता है, लेकिन अब मन में आपका सत्संग सुनकर थोड़ी विचलता आ रही है कि ब्याज का पैसा कहीं हमारे लिए पाप का साधन तो नहीं बन रहा। हमारी बैंक के ब्याज से तो लाखों लोगों का जीवन चलता है, चलता है। प्राय जो देखने में आता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंक के ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, जो कि जैसे धन आदि एकत्रित करके वृंदावन भी वास कर रहे हैं लोग, तो प्राय बैंक के ब्याज से ही तो चल रहा है। तो ये जो ब्याज की निंदा की गई है, वो पूर्व में जैसे जमींदार लोग होते थे ना, 500 रुपए दिए, 500 का वो ब्याज वापस किया, वो ब्याज के ब्याज ऐसे चढ़ा देते थे, वो कितनी बार 500 दे ले और वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह के जो गलत व्यवहार जनित ब्याज का भाव रख करके शोषण किया जाता था, उसके लिए जैसे बैंक से भी आप कर्जा लो तो वहाँ भी तो आपको उसमें प्रतिशत में होता ना कि इतने हाँ लोन जैसे, या आप बैंक में धन दो तो इतने प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा, ऐसा होता ना। अगर इस तरह का है, आपका शोषण का भाव नहीं है जो सरकारी विधान से चलता है, तो मुझे लगता है कि चाहे बैंक से ले चाहे आपसे ले, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, उनको देखकर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि कहीं मैं ना पाप में जा। नहीं, हमारा जो उद्देश्य था कहने का, हमने गांव में देखा है कि ज्यादा बड़ी रकम तो किसान गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, 2000-4000, अभी की बात नहीं पहले की कह रहा हूँ, 2000-4000। तो उस समय जैसे था वो 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज लगाते, महीने में 100 रुपये में 10 रुपये। और किसान आदमी, वो तो फसल आएगी, अगर फसल नष्ट हो गई तो अब कहाँ से बड़ा, मतलब ये तो आप लोग शायद उस कष्ट को नहीं जानते होंगे जो गरीब हैं, किसान हैं, और उन्हीं से उनका उदर पोषण होता है। अब वो कुछ पैसे ब्याज के दिए पर पूरे तो दे नहीं पा रहे, तो कितनी बार वो 500 रुपये पहुँचा दिए, 1000 रुपये पहुँचा दिए थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो ब्याजे नहीं, मूल तो ऐसे ही जमा है, फिर उनको उनकी खेती हड़पते, उनको कष्ट देते, वो महान दुखदाई है। एक नियम है सरकारी हिसाब से जैसे, तो आप जो प्रतिशत, खुली बात है, इतने प्रतिशत ब्याज इसका है, जहां तक हो सके सौहार्द रख करके उसको, उसका सेवा का भी काम बन गया, आपका भी काम चल रहा है। शोषण वृत्ति अगर है तो फिर वो हानिकारक रहेगी, शोषण वृत्ति। अब जैसे किसी ने लिया था और दूसरे दिन उसका काम हुआ नहीं और उसी को वापस करने गए, तो उसने पूरा हिसाब लगा के कहा चाहे आज दो चाहे एक महीने बाद दो, ब्याज तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब उसको जो 200-300 रुपये ब्याज के थे बहुत भारी पड़े थे, और बेचारा कि रख लिया, अब जब वो लाही चना कुछ भी पैदा होगा बेचेगा, तो अब वो पैसे लिए थे, काम नहीं हुआ, वो वापस करने गया, अब ब्याज के पैसे उसके पास कहाँ तुरंत, अब नहीं है ना, अब उसको कई महीने लगेंगे फसल आने पे, अब वो उनका हिसाब बढ़िया बन गया, तो फिर ये हानिकारक होता है। अब तुरंत जैसे समझ में आ रहा है ना, गांव का है हमारे अमुक आदमी है और उसका जिस काम के लिए था नहीं हुआ, वो वापस कर रहा है, तो इस पर फिर लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, महीना दो महीना हो गया तो उसका ब्याज उचित ले लीजिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि ब्याज नहीं दे पा रहा है तो भाई थोड़े दिन के लिए हम हमारा मूल वापस कर दो, क्षमा करते हैं ब्याज, ऐसा भी व्यवहार कर लेना चाहिए। तो उससे भगवान देख रहे हैं ना, उससे मंगल, शोषण वृत्ति का निषेध किया गया है।